हेलो एवरीवन, मैं कैलाश, वेलकम टू ट्यूटोरियल। आज आप सीखेंगे डाटा वैलिडेशन। क्लास शुरू करने से पहले अब अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एमएस एक्सेल 2021 ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का डिटेल्स टेबल है। तो यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं वो जानेंगे। ये जो टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पे देखिए एक कलम है एज। आप यहाँ पे देना चाहते हो 18 से 35 के बीच होना चाहिए। तो इसमें हम डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो डाटा वैलिडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम एज की कलम को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डाटा टाइप में क्लिक करेंगे और डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स देख पा रहे होंगे आप। तो पहले है यहाँ पे एनी वैल्यू, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का हम यूज करेंगे होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि सपोज मान लीजिए किसका एज 20 साल 6 महीना है, तो यहाँ पे हम वो नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ राउंड फिगर ही लेगा, जैसे कि 20, 18, 19, 21, 22 ऐसे ही। जब भी हम डेसिमल का यूज करेंगे वहां पे हम 20 साल 6 महीना, 21 साल 2 महीना ये ऑप्शन यूज कर पाएंगे। तो अभी हम यूज करेंगे होल नंबर, इसे क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन डाटा में ड्रॉप डाउन मेन्यू में है बिटवीन, नॉट बिटवीन, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे चूज करेंगे हम बिटवीन। अगला ऑप्शन है मिनिमम, तो यहाँ पे चूज कर देंगे हम मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम दे देते हैं 35 और क्लिक कर लेते हैं ओके। ठीक है, तो जब भी हम किसी एज यहाँ पे टाइप करेंगे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे टाइप करते हैं 16 और क्लिक करते हैं एंटर, तो देखिए ये एरर मैसेज दिखा रहा है, दिस वैल्यू डोंट नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल, ये वाला मैसेज यहाँ पे हमको दिखा रहा है। सपोज यहाँ पे हम दे देंगे 22, तो देखिए ये ले रहा है। सपोज हम फिर से 22.5 दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि होल नंबर हमने दिया है ये, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे दे दें 31, ठीक है ले रहा है। सपोज यहाँ पे एज पे जो इनपुट के जो डाटा आप चाहते हैं कोई मैसेज आए, इनपुट मैसेज आए कि 18 साल से 35 का एज तक आप एंट्री कर सकते हो, तो क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले एज के कलम को, उसके बाद डाटा टाइप में डाटा वैलिडेशन में क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे और सेटिंग के पास और एक ऑप्शन है इनपुट मैसेज, यहाँ पे टाइटल दे देंगे सपोज एज, एज यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एज, एंटर बिटवीन 18 to 35, यहाँ क्लिक कर लेते हैं ओके। तो देखिए जिस भी सेल पे आप जाएंगे ये वाला मैसेज इनपुट मैसेज हमको दिखाता जाएगा, प्लीज एंटर बिटवीन 18 to 35, ऐसे दे सकते हैं हम। सपोज हमने 15 एज दिया, देखिए एक एरर मैसेज आ रहा है। ऐसे एरर मैसेज आप खुद कस्टम आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट डाटा वैलिडेशन पे चलेंगे। यहाँ पे और एक टैब है एरर अलर्ट, इसमें हम दे सकते हैं स्टाइल, यहाँ पे देखिए स्टाइल है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है वार्निंग इन्फॉर्मेशन, तो हम स्टॉप को चूज करते हैं, टाइटल लिखते लिखते हैं सपोज एज रेस्ट्रिक्शन और एरर मैसेज में टाइप कर लेते हैं प्लीज एंटर योर एज बिटवीन 18 to 35 के। किसी भी सेल पे हम क्लिक करके देखते हैं, सपोज 14 टाइप कर देते हैं, देखिए हम जो एरर मैसेज खुद ही कस्टम बनाए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लीज एंटर योर एज बिटवीन 18 to 35। तो ऐसे हम इनपुट मैसेज या फिर एरर मैसेज खुद बना सकते हैं। अभी हमने जाना होल नंबर के बारे में, अगला ऑप्शन पे जाते हैं डेसिमल, जो कि पॉइंट पॉइंट देखे हम 6 महीना या 7 महीना देख के कर पाएंगे, कैसे करेंगे अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, डेसिमल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये एक टेबल है, सपोज हम दूसरे ट्रेडर से राइस परचेज कर रहे हैं, राइस का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा मतलब यानी कि सपोज 40 रुपए था 14.5 रुपए हो सकता है, 41.5 या फिर 41.2 या फिर 45.6 ऐसे प्राइस हम देख सकते हैं जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है डे टू डे में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेसिमल का, तो क्या करेंगे हम प्राइस को पहले चूज कर देंगे, डायरेक्ट चलेंगे होम टैब के अंतर्गत डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं सेटिंग। यहाँ पे चूज किए थे हम होल, पहले एग्जांपल में होल नंबर किए थे, अभी यूज करेंगे डेसिमल, वही बिटवीन लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हम दे देंगे 35 to 50 और क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं 36.2, देखिए एंटर हो रहा है 41 एंटर हो रहा है, सपोज यहाँ पे देते हैं 60,
ज्यादा हो रहा है इसलिए नहीं रह रहा है, तो हमको कम देना होगा यहाँ पे। सपोज हम देते हैं 35.5, 42.8 और 33.10 आ रहा है, तो इसमें देते थे हम 40। ठीक है, ये प्राइस एंटर के लिए। सपोज हमने जो ये डाटा वैलिडेशन यूज किया है, नीचे की सेल में भी हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, प्लस का साइन, यहाँ पे जो प्लस का साइन आएगा नीचे ड्रैग करते जाएंगे। तो देखिए ये ड्रैग हो चुका है नीचे, ऊपर भी, ऊपर जो भी डाटा दिए थे हम वो सब यहाँ पे आ चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे यूज हुआ कि नहीं हम जानना चाहते हैं डाटा वैलिडेशन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक इनपुट करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 25, देखिए हमने रजिस्ट्रेशन दिया था 35 से, और यहाँ पे एंटर क्या किया 25, इसलिए हमको एरर मैसेज दिखा रहा है, कैंसिल करते हैं। तो इसी तरह आप ड्रैग करके भी डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए डाटा वैलिडेशन में बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे हमने खाली बिटवीन का यूज किया था। अगला ऑप्शन है नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन हम देख सकते हैं यहाँ पे, नॉट बिटवीन जो कि सपोज दे रहे हैं 35 से 40 तक नहीं लेगा, बाकी सब लेगा। इक्वल टू, ओनली इक्वल टू खोली जो नंबर देंगे वही लेगा। बहुत सारा ऑप्शन है जैसे कि नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। आज आपने सीखा डाटा वैलिडेशन के बारे में, जस्ट बेसिक नॉलेज। ये हमारा पहला क्लास था डाटा वैलिडेशन का। अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो डाटा वैलिडेशन का पार्ट टू होगा, इसमें मैं और थोड़ा डिटेल बताऊंगा डाटा वैलिडेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक पहुंच पाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ट्यूटर इरा।